क्या आप जानना चाहते हैं कि किशमिश कैसे आपको वेट लॉस, वेट गेन, आपकी स्किन को बेहतर करने के लिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए और आपको दिल के अमराज यानी ब्लड प्रेशर से बचाने की हेल्प कर सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुमैस ज़ारा है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मेरा एक्सपीरियंस 3 से 4 सालों का है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है किशमिश के फ़ायदे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किशमिश एक ड्राई ग्रेप यानी एक खुश्क अंगूर को कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको एज ए स्नैक यूज़ कर रहे होंगे। अभी भी सर्दियों की रौनक ही है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और हमें इसका इंटेक क्यों करना चाहिए। जब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बेनिफिट जो मैं बताना चाहूँगी वो है कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। यानी जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है या जिन लोगों को भी दिल का कोई इमराज है, उन लोगों को पता ही होगा कि सोडियम का जो इंटेक है या सोडियम के लेवल ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो पोटाशियम क्या करता है कि पोटाशियम हमारे एक्सेसिव सोडियम को बॉडी से रिमूव करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो और साथ साथ किशमिश में फाइबर भी है जो कि हमारे LDL बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्नैक है उन लोगों के लिए जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है। दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करना चाहूँगी कि ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करेंगे तो हम ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। हमारी स्किन को यंग रखता है, रिंकल्स से हमें बचाता है और एजिंग को जो है स्लो करता है। साथ साथ क्या कि इसमें विटामिन सी भी है, सेलेनियम भी है, जिंक भी है, जो एक बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन है हमारी स्किन के लिए। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को यानी हमारे पेट के मसाइलों को जो है ये हल करता है। बहुत सारे लोगों को कब्ज का, कॉन्स्टिपेशन का मसला होगा तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन स्नैक है। वो इसको दही में ऐड करके ले सकते हैं। बहुत सारे लोग दही में चीनी ऐड करके उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो है ज़ीरो कर देते हैं। तो क्या करें कि जी आप इसको दही में एज अ स्वीटनर भी किशमिश को ऐड कर लें। दही तो वैसे ही भी एक प्रोबायोटिक है और हमारे पेट के लिए बड़ा ही अच्छा है। साथ साथ इसमें किशमिश ऐड करेंगे जिसमें बहुत सारे सॉल्युबल फाइबर हैं जो कि क्या करते हैं हमारे पेट के, हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। साथ साथ हमारी जो पेट की ब्लॉटिंग होती है यानी कि हमारा पेट जो फूल जाता है खाने के बाद, उसको भी कम करता है, हमारी गैस को बेहतर करता है। ये सारे जो हमारे पेट के मसाइल हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो हम अगले फ़ायदे के बारे में बात करेंगे वो ये है कि हमारे आईज़ के लिए, आई हेल्थ के लिए और हमारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आईज़ में जो हमारा आई सेल है उसको ये प्रोटेक्ट करता है और हमारे ओरल हेल्थ की अगर बात करें तो हमारे जो दांतों में कैविटी हो जाती है, यानी कि कीड़ा लग जाता है, उससे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ से भी बचाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक बहुत जो है बेहतरीन न्यूट्रिएंट है जो इसमें हमें पाया जाता है। अगले फ़ायदे के बारे में अगर हम बात करें तो बात यह है कि बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और वेट गेन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि न्यूट्रिएंट डेंस है, न्यूट्रिएंट कैलोरी डेंस है। तो अगर हम इसकी कैलोरी कम कर लें तो ये वेट लॉस में और वेट मैनेजमेंट में भी काम आ जाता है, और अगर इसकी मकदार थोड़ी ज़्यादा कर दें तो आपको वेट गेन में भी हेल्प कर सकता है। अब अगर हम इसके अगले फ़ायदे के बारे में बात करें तो अगला फ़ायदा ये है कि जी हमारे जो लोग जिनको डायबिटीज़ का मसला है उनके लिए एक बहुत बेहतरीन स्नैक है क्योंकि एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। तो जो लोगों को भी डायबिटीज़ का मसला है और वो ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं तो वो जो है किशमिश का अपनी लाइफ में उसको ऐड ज़रूर कर सकते हैं। अगला फ़ायदा जिसके बारे में बात करना चाहूँगी कि जिसको अनीमिया का मसला है यानी जिसमें आयरन की कमी है, वो लोग इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। यानी कि इसमें कॉपर है और आयरन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है। तो ये कुछ फ़वाद थे जो मैंने किशमिश के बारे में बताए हैं। आई होप आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर कोई भी फर्दर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन चाहिए या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू और मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।